हे गाइस, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सारनाथ, और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं आर्कियोलॉजिकल बुद्धिस्ट रिमेन्स ऑफ सारनाथ। तो यहाँ की आके सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने इतनी चीज़ें तो अच्छी कर दी, कम से कम हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती, टिकट ऑनलाइन अपनी खुद ले लो और चुपचाप अंदर चले आओ। बट हाँ, जो कल मैं गया था रामनगर का किला, जो रामनगर फोर्ट था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मनगढ़ंत आपसे टिकट ले रहे थे, आपको कोई वीडियोग्राफी कोई फोटोग्राफी अलाउड नहीं कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, और इसके बाद चलेंगे म्यूज़ियम। अगर म्यूज़ियम में फ़ोटो वगैरह अलाउड हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे, फिर चलते हैं कहीं और। तो चलिए आइए। यहाँ मुझे तो नहीं लग रहा उत्खनन में ज़्यादा कुछ प्राप्त हुआ, क्योंकि स्लिप हो गया, सॉरी। तो जैसा मैंने बताया, ये कुछ अंदर सीढ़ियाँ वगैरह दे रखी हैं बट ब्लॉक कर रखी हैं, यहाँ भी नहीं जा सकते। और फिर वही पत्थर दोबारा जो भी दिखाए, तो ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है। बट हाँ, ये है कि अपने इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है ये सारी चीज़ें, तो एक बार देखना ज़रूरी बनता है। तो एक चीज़ बताऊँ, मुझे क्या लग रहा है, जो पहले का आर्किटेक्चर था हमसे ज़्यादा एडवांस था, क्योंकि जितना ही मैंने पढ़ा है हड़प्पा सभ्यता से लेके मोहनजोदड़ो तक, जो भी पढ़ा वो इतना था कि जो चीज़ें अभी हैं वो उस समय पे थी। तो क्या फ़ायदा इतना आगे आने के बाद? हमने सिर्फ और सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को बस से बदतर किया है इतना आगे आने के बाद। एसी का यूज़, इसका यूज़, उसका, चलो एसी यार नेसेसरी है गाड़ी वगैरह में, क्योंकि वहाँ हम कूलर लगा नहीं सकते, घर पे तो यार कूलर से काम चला लो। तो कोई नहीं, ये जो अपना बनाया नहर टाइप, ये पानी का स्रोत हुआ करता था मेरे हिसाब से, तो यही है, क्योंकि इसके बारे में देखता हूँ अगर उस साइड लिखा होगा तो दिखाता हूँ, इधर तो कुछ नहीं लिखा। और ये आगे जाके किसी नहर या नदी से मिल रहा होगा, तो कंफर्म यही है कि हमसे ज़्यादा बेटर जो हमारे पुराने लोग थे वो थे। पता है एक चीज़, मुझे लग रहा है ये तो अभी नया बनाया है, विश्राम का है, और इन लोगों ने बनाया एकदम ऐसा है कि इनके उससे मैच कर रहा है आर्किटेक्चर से, जो पुराना आर्किटेक्चर है इनका। कोई नहीं, थोड़ा विश्राम करते हैं, और समय ज़्यादा ना होने के कारण फटाफट म्यूज़ियम भी चलते हैं। और म्यूज़ियम चलने के बाद देखते हैं, अगर म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी अलाउड है तो क्या क्या है दिखाता हूँ, और नहीं है तो बताता हूँ। उसका टेम्पल चलेंगे, फिर देखते हैं क्या बचता है यहाँ पर। हेलो गाइस, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, मैं म्यूज़ियम में आ गया था। मैम बता रही हैं कि बैग और मोबाइल यहीं जमा हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए तो अंदर ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है इसमें। हाँ, तो मैं अब जमा करा देता हूँ अपना फ़ोन और बैग दोनों, और मिलते हैं फिर अंदर से आके, क्या देखा क्या नहीं देखा फिर मैं आपको बताता हूँ। बाय। तो आशा करता हूँ आपने म्यूज़ियम का आउटर व्यू तो देख लिया होगा। बाकी मैं कहना यही चाहूँगा, अगर आप सारनाथ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ ज़रूर आएँ और विज़िट ये म्यूज़ियम ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप बनारस भी आते हैं
तो यहाँ कोशिश यही करना कि एक बार जरूर विजिट करके जाना। तो अभी हम लोग सारनाथ मंदिर की ओर चलेंगे। तो अभी हम लोग दिगंबर जैन मंदिर में आए। जैसा कि दिगंबर जैन मंदिर इस टाइम पे बंद है, तो अब हम लोग चलेंगे सारनाथ मंदिर की ओर। देखते हैं सारनाथ मंदिर में क्या है, कैसे, कैमरा अलाउड है नहीं है, और मंदिर खुला है, दर्शन हो पाते हैं नहीं। पर एक मेरे पीछे प्रतिमा है गौतम बुद्ध जी की। तो चलिए इस मंदिर को हम यहीं अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सारनाथ मंदिर, बट मैं आ गया हूँ थोड़ा जल्दी या लेट आप कह सकते हैं, क्योंकि अब ये खुलेगा 3 बजे। और ये बेसिकली बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। पीछे आपको दिखा सकता हूँ मंदिर ये रहा। तो कोई नहीं, मंदिर बंद है, मंदिर के आसपास घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको भी दिखाते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं। तो बेसिकली सारनाथ मंदिर बंद था, तो कोई बात नहीं है, उसके बगल में ज़ू है। तो हम लोग ज़ू में आ चुके हैं, और ये ज़ू का कुछ बोर्ड है जो ये बर्ड्स वगैरह हैं यहाँ पे। बाकी हम चलते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं। ये पोस्टर क्या करोगे देख के, दिखाना चाहूँगा। ये जो आशिक लोग हैं कुछ नहीं छोड़ते। अरे कहीं तो नाम लिखना छोड़ दो। कुछ सालों बाद ना इन्हीं की ये पेड़ इतना काट के पुरातत्व विभाग वाले रख लेंगे कि ये आशिकों की बनाई गई कला। तो हम लोग जू के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, रेलिंग को ना छुए। पहला इंस्ट्रक्शन रेलिंग को छुए ना, और दूसरा अंदर आपको मैं बर्ड्स वगैरह दिखा देता हूँ। अगर ऐसे दिख रहे हैं तो ठीक है, तो दूसरे एंगल से भी मैं दिखाता हूँ अभी आपको। वो देख रहे हो मगरमच्छ। हाँ सबाश बेटा दांत दिखा रहा है। जो कांटे चुभ जाते हैं ना तो सड़न पैदा हो जाती है। तो आपको मैंने उधर से भी हिरण दिखाया ही था, अब इधर से दिखाता हूँ। गर्मी बहुत है, जू घूमते घूमते लग गई गर्मी। अब खाएंगे आइसक्रीम। इसका नाम तो पिस्ता आइसक्रीम है ना, इसमें पिस्ता दिख रहा है ना आइसक्रीम दिख रही है, नहीं पिस्ता है। ये तोते तोते की वैरायटीज है, ठीक है। कॉकटेल, दिल्ली वाले कॉकटेल का मतलब कुछ और समझ जाएंगे, तो कॉकटेल का मतलब गलत मत समझना, ठीक है। अंदर बर्ड्स हैं। तो चलो आगे भी चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। मज़ा आया बट खाने में। तो आपने बहुत सी साड़ियाँ देखी होंगी, दिल्ली की, बनारस की, हर जगह की। तो बनारस साड़ी जो कि फेमस है, और यहाँ पे साड़ी खुद हाथों से बनाई जाती, कोई मशीनों का यूज़ नहीं, कोई किसी चीज़ का यूज़ नहीं, वही पुराने तौर तरीके और दिल को छू जाने वाली चीज़ें, यानी कहने का मतलब यही है सारा। तो आइए आपको साड़ी दिखाता हूँ, फिर बात करते हैं। ये है साड़ी की दुकान। चलिए आपको साड़ियाँ दिखाते हैं जो हैंडमेड है। पहली चीज, मशीनें से बनी साड़ियाँ बहुत देखी होंगी, हैंडमेड साड़ियाँ आज दिखाते हैं आपको। 1400 रुपये का हमारा ऑफ है, 35% डिस्काउंट है, डिस्काउंट काट के 895 रुपये के डिस्काउंट काट के 850 का रेट है, गवर्नमेंट का 35% डिस्काउंट काट के 850। Thank you.
तो आप लोग साड़ी तो देख ही चुके होंगे, अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। और प्रेफर मैं यही करूँगा कि आप अगर आते हैं तो एक बार यार एक दिन दो दिन निकाल के आइए। मेरे पास तो टाइम की किल्लत की वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है, मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पा रहा, बट जितना कर पा रहा हूँ उतना आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं थाई टेम्पल, जो कि यह भी गौतम बुद्ध जी को रिप्रेजेंट करता है और उनकी मान्यताओं को। तो चलिए हम लोग थाई टेम्पल देखते हैं और इसके बारे में आगे बातें करते हैं, और मैं कुछ आपको वीडियोस क्लिप्स दिखाता हूँ, तो इन्जॉय कीजिएगा। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पांडेपुर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। ये कुछ भाई लोग मिले हैं यहाँ पे, हाय, और मेरे सब्सक्राइबर ये हैं। मैं बहुत खुशी हुई यहाँ के लोग जब आपको मिलते हैं, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। प्लस पीछे जो मिठाई की शॉप है ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्ट है, और बाकी मैं लस्सी पी के और लस्सी का रिव्यू बताता हूँ कैसी है, और आप लोग इसका बता दो कैसे लग रहा है। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। आप भी कभी बनारस आइए, और यहाँ जो एक मिठाई बहुत टेस्ट करिए हमेशा। तो चलिए मिलते हैं और लस्सी पी के आपको बताते हैं। तो लस्सी हमारी आ चुकी है, अब पीते हैं और देखते हैं कैसी है टेस्ट, और आपको बताते हैं। खट्टी मीठी लस्सी का बात ही अलग है, अब मज़ा आ गया। इतनी गर्मी है, पेप्सी जूस का कोई मतलब नहीं बनता, लस्सी इज़ द बेस्ट। और भैया है ना,